हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स वीडियो में एसएससी एमटीएस के रिजल्ट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। जिन मेरे फ्रेंड्स ने एसएससी एमटीएस का पेपर दे रखा है गाइस, वो मेरे इस वीडियो को जरूर देखेगा। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको फिलअप करना है sarkaririzult.com, ठीक है। फ्रेंड्स आपको ये साइट ओपन कर लेनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे गूगल सर्च पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो गाइस जब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा सरकारी रिजल्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इस लिंक के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, आप इस पेज पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सरकारी रिजल्ट www.sarkaririzult.com गाइस, ये एक ऑफिशियल साइट है, आपको इसके ऊपर आ जाना है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन पे एसएससी एमटीएस रिजल्ट, आपको इस रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद दोस्तों वहाँ पे आप इस नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। और फ्रेंड नीचे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करिए डाउनलोड रिजल्ट है गाइज, आपके यहाँ पे फोर लिस्ट आई हुई है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, आप गाइज कौन सी लिस्ट पे क्लिक करके आप मतलब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। और फ्रेंड्स कितने मतलब पास हुए, कितने फेल हुए आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स हम, ठीक है। एक लिस्ट मेरे पास ओपन है ऑलरेडी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज कैंडिडेट क्वालिफाइंग पेपर 1 गाइज, जो भी मतलब अभी स्टूडेंट पास हुए हैं वो गाइज मतलब जो आपका नेक्स्ट पेपर होना है उसके लिए सिलेक्टेड हो चुके हैं वो बंदे, ठीक है। तो फ्रेंड्स कितने पास हुए हैं यहाँ पे आप मतलब हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाइज 18 से 25 ईयर के बीच में गाइज यहाँ पे देखिए कैंडिडेट अवेलेबल। एससी में गाइज 5,850 पास हुए हैं, एसटी में आपके 6,630 पास हुए हैं, ओबीसी में 23,370 पास हुए हैं गाइज, ठीक है। आप यहाँ पे आराम से चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स 28 से 27 की एज में गाइज यहाँ पे देखिए नीचे कैंडिडेट अवेलेबल। एस टी में गाइज 1905 पास हुए हैं, और फिर नीचे देखिए एस टी में 2130 पास हुए हैं, ओबीसी में आपके 7,410 पास हुए हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार आप यहाँ पर आराम से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कितने बंदे पास हुए हैं यहाँ पे, टोटल यहाँ पे गाइज 84,778 पास हुए हैं। नीचे यहाँ पे देखिए 26,384, मतलब टोटल आपके इतने मतलब इतने स्टूडेंट आपके पास हुए हैं आपकी बार इसमें फर्स्ट पेपर में गाइज, ओके। नीचे आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने मतलब रोल नंबर देख लीजिएगा, जिनका रिजल्ट मतलब अभी डिक्लेयर नहीं हुआ ये बंदे वो हैं, ठीक है। तो 12 बंदे आप आराम से चेक कर लीजिए एक बार इनके बारे में भी। और फिर नीचे देखिए गाइज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिहार में मतलब गाइज एससी के 270 बच्चे पास हुए हैं यहाँ पे, जिनके 76.26407 मार्क्स थे, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब स्टेट वाइज दे रखे हैं गाइज, मतलब कौन स्टेट में किस कास्ट के कितने बच्चे पास हुए हैं, आप आराम से चेक कर लीजिए गाइज, ओके। और जो आपकी गाइज आपकी जो मतलब आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपकी लिस्ट है इसमें आपके डायरेक्टली नाम दिए मिलेंगे, आपको रोल नंबर दिए मिलेंगे, आप आराम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी वीडियो मतलब इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट लगता है, कुछ भी मतलब आपको पता नहीं चलता है कि आपको कैसे चेक करना कैसे चेक नहीं करना, आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप मुझे फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा।